दलित और आदिवासी समाज पर लगातार हो रहे शोषण के विरुद्ध मध्य प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग ने मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया। इस बीच पुलिस ने कार्यकर्ताओं को बैरिकेड लगाकर रोका और उन्हें वापस लौटने की हिदायत दी, लेकिन जब कार्यकर्ताओं ने पुलिस की बात नहीं मानी तो उनको वाटर कैनन का उपयोग कर हटाया गया। आंदोलन के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश दलित अत्याचार की राजधानी बन गया है। मध्य प्रदेश में पिछले 12 वर्षों से दलितों पर अत्याचार हो रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यह NCR की रिपोर्ट कह रही है। उन्होंने CM डॉक्टर मोहन यादव को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि मुख्यमंत्री रहना है तो आरक्षण की रक्षा करनी होगी। वहीं अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने बताया कि प्रदर्शन में प्रदेश भर से कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति के लोग शामिल हुए, जिसमें दलितों पर अत्याचार मध्य प्रदेश में कोई घटना नहीं घटती। NCR भी के आंकड़े कहते हैं कि आरक्षित वर्ग पर अत्याचार सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पिछले 12 वर्ष से हो रहा है। यहाँ पर बहनों का, दलित बहनों का, आदिवासी बहनों पर बलात्कार सबसे ज्यादा हो, सरकार व्यवहार करती है गुंडों जैसा, और बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता हमारे आरक्षित वर्ग के बेटे बेटियों पर पेशाब करते हैं। ये अपने आप में क्या एहसास कराता है? ये एहसास कराता है कि मोहन यादव जी जिस तरह की भाषा बोलते हैं वो भाषा मुख्यमंत्री की नहीं हो सकती। अरे मुख्यमंत्री को तो समभाव का भावना होनी चाहिए। आज ये मटकी हमारा सांकेतिक प्रदर्शन है कि जिस तरीके से हमारे समाज के लोगों को कमर में झाड़ू लगाते थे, रोडों पे हमें चलने नहीं दिया जाता, रोडों पे हमें थूकने नहीं दिया जाता था, और जो अपमान हमारे लोगों ने सहा है, आज वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में और देश में हमारे लोगों के लिए, इसलिए हम लोग ये सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।